जय श्री राम। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कुंडली में कैसे देखें कि जल्दी विवाह होगा, समय से हो जाएगा, अर्ली मैरिज के क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि विवाह में देरी के ऐसे कौन से योग हैं कि या तो विवाह डिले हो रहा है, बहुत देरी से हो रहा है, या बहुत ज़्यादा उम्र में जाके हो रहा है। और आजकल बहुत ऐसा देखा गया है कि जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि हम सामान्य रूप से देखें तो अगर 21 से 24 साल की उम्र में लड़की की शादी हो रही है तो ये आज के देशकाल पात्र के हिसाब से सही है, और लड़के की शादी 24 से 28 वर्ष की उम्र में हो रही है तो ये आज के देशकाल के पात्र के हिसाब से सही है। लेकिन वहीं लड़की की शादी अगर 30 या 30 के बाद हो रही है और लड़के की शादी 34, 35, 38 वर्ष तक जा रही है तो हम इसको क्या कहेंगे, ये विवाह में बहुत विलम्ब के योग है। यानी हॉरोस्कोप में प्रॉमिस तो है कि इसकी शादी तो होगी लेकिन वो शादी बहुत देर से होगी, उसको आप कुंडलियों में कैसे जान सकते हैं? क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने जो रूल्स बताए उसको भी आप अपने घर में कुंडली अगर लोगों की हो तो लगा के देखना कि भाई इसकी शादी जल्दी हो गई, और आज जो मैं आपको रूल्स बताऊंगा उसको भी आप कुंडली में लगा के देखें भी मेरी शादी 30 में हुई या किसी जानकार की शादी 35 में हुई या उनकी शादी अभी तक नहीं हो रही है तो ऐसे क्या रीज़न है, वो उन रूल्स पे आप अप्लाई करके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 एग्जाम्पल भी लगा के दिखाऊंगा जिनकी शादियां बहुत बहुत देर से हुई हैं और एक कुंडली में तो अभी भी शादी हुई नहीं है और उस लड़की की उम्र 31-32 वर्ष से ऊपर हो चुकी है। तो सबसे पहले नियम क्या थे, नियम थे जल्दी विवाह के लिए, नियम क्या है कि पहले दूसरे और सातवें भाव में, हम यहाँ लगन कुंडली की बात कर रहे हैं, लगन कुंडली के पहले दूसरे और सातवें भाव के अंदर शुभ ग्रह होते हैं तो जल्दी विवाह के संकेत हैं। इसके विपरीत लगन कुंडली के पहले दूसरे और सातवें भाव के अंदर अशुभ ग्रह बैठे हों, अशुभ ग्रह कौन से हैं, सूर्य है, मंगल है, शनि है, राहु केतु है, ये नेचुरल रूप से अशुभ ग्रह अगर बैठे हैं तो ये विवाह में विलम्ब देते हैं। अगर ये नेचुरल ग्रह अपनी ही राशि के होके बैठ जाएं तो ये विवाह का प्रॉमिस तो देंगे कि हम शादी कराएंगे लेकिन देंगे ये विलंब से ही उसका सुख। तो नियम नंबर एक के पहले दूसरे और सातवें भाव पर अशुभ ग्रह बैठे हों या फिर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो ये भी काउंट किया जाएगा। अब पहले दूसरे और सातवें भाव के स्वामी जो भी हैं वो नवांश कुंडली के अंदर अगर अशुभ ग्रहों की राशि में ही चले गए, जो अशुभ ग्रह हमने बताया जैसे शनि की राशि है, मंगल की राशि है, सूर्य की राशि है या राहु केतु वक्ष है तो ये विवाह में और विलंब के योग को दर्शा देते हैं। लगन कुंडली में आप हैं लगन के स्वामी तो सप्तम भाव आपके विवाह को दर्शाता है। अगर सप्तम भाव या उसका स्वामी पीड़ित है और कारक शुक्र भी पीड़ित हो रहा है तो ये भी विवाह में विलंब का ही एक और संकेत है। तो वही नवांश कुंडली का लगन मैंने बताया था कि नवांश कुंडली का लगन इच्छा को दर्शाता है और लग्नेश इच्छा पूर्ति कर रहा है। अगर लगन पीड़ित है तो विवाह की इच्छा नहीं है और लग्नेश भी पीड़ित है तो इच्छा पूर्ति करने वाला भी पीड़ित हो गया। इसके विपरीत लगन पीड़ित है तो इच्छा नहीं है लेकिन लग्नेश जोर लगा रहा है कि नहीं विवाह का सुख तो दे ही देंगे तो ये भी विवाह में विलंब की कैटेगरी में ही आएगा। वहीं सप्तम भाव, नवांश का सप्तम भाव आपके जीवन साथी का है कि मुझे जीवन साथी कब मिलेगा, जितना ज़्यादा वो पीड़ित होगा सप्तम भाव और उसका स्वामी उतना ही वो जीवन साथी को देने में देरी करेगा। इसमें एक नियम और है जिसको हम कहते हैं सही समय पर सही दशा का मिल जाना। फॉर एग्जाम्पल आपकी उम्र 25 वर्ष हो गई और आप रिश्ता ढूंढने के लिए चल दिए लेकिन उस दौरान आपको मान लीजिए सूर्य की दशा है और सूर्य का संबंध किसी भी तरह से विवाह कराने से नहीं आ रहा तो उन 6 साल में आप सिर्फ रिश्ते ढूंढते हुए रह जाएंगे लेकिन आपका रिश्ता नहीं होगा। तो क्या हुआ, 24 से 30 की उम्र तो ऐसे ही हो गई, यानी कुंडली में योग भी थे
और सही समय पर सही दशा भी नहीं मिली। फिर दशा मिली चंद्रमा की 30 साल के बाद, तो विवाह में विलंब भी हो गया और चंद्रमा ने अपनी दशा में कोई भी अंतरदशा जो शुभ आई उसमें शादी करा दी। पुरुष की कुंडली में ये जरूर देखें कि लगन और नवांश में शुक्र ग्रह कितना बली है या कमजोर है। बली है जल्दी सुख देगा, बली नहीं है तो देर से सुख देगा। स्त्रियों की कुंडली में गुरु और शुक्र दोनों देखें, क्योंकि शुक्र विवाह का कारक है तो स्त्रियों के लिए पति कारक गुरु है। अगर वो लगन में और नवांश में दोनों में पीड़ित है तो ये विवाह में एक विलंब के संकेत हैं। तो ये सारे फॉर्मूले आप एक पेपर पे लिख लेना, और घर में जिन जिनकी शादियां लेट हुई हैं या किसी रिश्तेदार की या जानकारी लेट हुई तो देख लेना, या जब उनकी कुंडलियों में ये कॉम्बिनेशन देख लो तो अपने घर में जो बच्चे हैं उनकी हॉरोस्कोप में देख लेना कि भाई इसकी तो शादी लेट ही है। क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स हमें मिलते हैं जो ये कहते हैं मेरी लड़की 30 साल की हो गई, मैं तो 23 साल की उम्र से ही शादी के लिए रिश्ते देख रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो परिवार में लड़कियों की शादी जल्दी कर देते हैं। वो 23 से लेकर 30 तक 7 साल तक अपना बहुत सारा समय और पैसा इसी चीज़ पे खर्च कर चुका है, जबकि उसकी कुंडली में उस दौरान विवाह का योग ही नहीं है। तो भैया अपना समय खराब करने से ज़्यादा अच्छा कि जब योग आएगा तब प्रयास करेंगे ना। तो ये चीज़ें हमें सब ज्योतिषी जब कुंडली देखते हैं तो वो बता देते हैं कि भाई इसकी तो हॉरोस्कोप में विवाह में विलंब के योग हैं, आप इस चक्कर में मत लगो, आप इसको पढ़ाओ लिखाओ, इसको जॉब कराओ, इसको काबिल बनाओ, जब इसकी उम्र 29 वर्ष की हो जाएगी तब इसकी शादी होगी। तो हम अपनी बहुत सारी चीज़ों को उनसे सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं बिना वजह की प्रॉब्लम से। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको 3 कुंडलियाँ दिखाऊंगा जिसमें किसी का 33 वर्ष में विवाह हुआ है, किसी का 39 वर्ष में विवाह हुआ है, किसी की उम्र आज भी 31 वर्ष हो चुकी है और विवाह नहीं हुआ। तो ये तीनों एग्जाम्पल हम हॉरोस्कोप में कैसे देखते हैं उसके लिए हम चलते हैं स्क्रीन पर, जिससे आप समझ सकें कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ और आप उसी तरीके से अपनी कुंडली में वो नियम लगाकर देख सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि जो विवाह में विलंब के योग हैं उनको हम कुंडली पे किस तरीके से देख सकते हैं। बहुत आसान और सरल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। ये पहला बर्थ डिटेल है 24 जून 1993, 2:45। कुछ दिन पहले ही ये कुंडली मेरे पास आई है। 31 वर्ष इस महिला की उम्र हो चुकी है लेकिन इनका अभी तक भी विवाह नहीं हुआ। और जबकि ज्योतिष के साधारण नियम कहते हैं कि भाई 21 से 24 के बीच में लड़की की शादी अगर हो गई आज के समय के हिसाब से तो ठीक है, नहीं तो वो विलंब है। तो यहाँ तो बहुत डिले हो गया, बहुत डिले हो गया। सबसे पहली बात हम क्या देखते हैं कि भाई हम 7th हाउस को हमेशा देखते हैं। सप्तम भाव का स्वामी शुक्र ग्रह लगन में बैठा है और जो सप्तम भाव को अपनी दृष्टि देता है, यानी ये विवाह का प्रॉमिस तो प्लैनेट दिखाता है कि भी मैं विवाह का सुख तो दूंगा। अब हमारे नियम क्या हैं हम वो देखते हैं। हमारा नियम है कि भी पहले दूसरे और 7वें घर के अंदर अशुभ ग्रह बैठे हों या उनका प्रभाव हो। तो हमने देखा है दूसरे घर के अंदर केतु है, पहले घर के अंदर शुभ ग्रह शुक्र है, और सप्तम भाव पर अगर हम देखें तो शुभ ग्रह शुक्र का ही प्रभाव है, यानी यहाँ पर जो प्रभाव है वो अशुभता के हिसाब से कम है, फिर भी शनि की जो दृष्टि है वो आपके शुक्र ग्रह पर पड़ रही है, इसको आप ऐसे मान सकते हैं। नियम नंबर 2 के पहले दूसरे और 7वें के स्वामी नवांश कुंडली में कहाँ हैं, तो हमने देखा शुक्र ग्रह वहाँ 12वें घर में गया है, वो दूसरे घर का भी स्वामी है, वो 7वें घर का भी स्वामी है, वो विवाह का कारक भी है, वो नवांश में 12वें घर में मंगल की शत्रु राशि में गया, अशुभ ग्रह शनि के साथ गया, और यहाँ नीचे से इसको मंगल ग्रह देख रहे हैं। ये इस कुंडली के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है विवाह में विलंब का, जो क्लियरली हमें वहाँ से दिखाई दे गया है। और मंगल ग्रह जो यहाँ लगन का स्वामी है वो भी यहाँ नवांश में देखें तो 6ठे घर के अंदर शत्रु की राशि में गया हुआ है, शुक्र इसका शत्रु है। वहीं नवांश कुंडली में हम देखें तो सप्तम भाव का भी विचार हम विवाह के लिए ही करते हैं। सप्तम भाव क्या है, राहु केतु अक्ष पर है, सप्तम भाव का स्वामी कहाँ है, 8वें घर में है, ये भी विवाह में देरी का और विलंब का संकेत है। अब जैसे कि हमने कहा था कि शुक्र यहाँ देख रहा है सप्तम को विवाह कराने में सक्षम है, तो बृहस्पति भी यहाँ लग्नेश होके लगन को देख रहा है,
यानी लगन में कौन है? सूर्य है जो नवमेष है, यानी इच्छा भी है, इच्छा पूर्ति कराने वाला ग्रह भी है, लेकिन विलंब के योग भी बहुत ज़्यादा हैं। अब बहुत मोटे तौर पे देखें तो आज के समय में ना सूर्य की दशा चल रही है अभी 2029 तक। अब सूर्य ग्रह यहाँ लगन में ही बैठा है तो इसका मतलब लग्नेश बृहस्पति से दृष्ट है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सूर्य ग्रह की दशा में इनका विवाह हो जाएगा। तो ये दशा से भी हम इसको देख सकते हैं। लेकिन पहले प्रॉमिस तो दिखा कि भी सारा का सारा काम जो गड़बड़ किया है वो इसने किया है, कि ये शुक्र 12वें में ना जाता, शनि के साथ ना होता, मंगल इसको देख रहा है, शत्रु की राशि में है और बुध ग्रह यहाँ है। तो आप बहुत इजीली भी देख सकते हैं कि भाई हॉरोस्कोप में विवाह क्यों नहीं हुआ, 31 वर्ष की इनकी उम्र हो गई, इनकी शादी क्यों नहीं हुई, आज तक भी इनकी शादी नहीं हुई हम जिस समय ये वीडियो बना रहे हैं, तो क्यों ऐसे रीज़न है। अब हम दूसरी हॉरोस्कोप देखते हैं। ये हॉरोस्कोप है 1959 में ये बॉर्न है, 30 मई 59, 10:10, 39 साल की उम्र में इनकी शादी हुई है। हमने देखा है कि लगन में ही एक अशुभ ग्रह है जो नीच का भी है और जो मंगल दोष बनाता भी है, सप्तम भाव का स्वामी शनि है जो कि यहाँ 8वें घर में, जो 6ठे घर में वक्री होके गया, यानी ये ग्रह लगन से 6ठे में गया है तो सप्तम भाव से अपने से 12वें में गया है। तो लगन अगर हम देखें तो लगन पर अशुभ प्रभाव मंगल का, उसी मंगल का प्रभाव कहाँ है? सप्तम भाव पर भी है, वहीं सप्तम का मालिक 6ठे घर में बैठा भी है और वहीं शुक्र ग्रह 12वें घर में गया है विवाह का कारक होके। अब नवांश कुंडली में देखें तो सूर्य ग्रह दूसरे घर का मालिक है, वो कहाँ गया? 6ठे भाव में। चंद्रमा लगन का मालिक है, कहाँ गया? 6ठे भाव में। और दोनों ही ग्रह देखिए अपने शत्रु की राशि में हैं, शुक्र इसका शत्रु और 6ठे घर में है। शनि यहाँ भी देखिए 6ठे घर में थे और शनि यहाँ भी देखिए 8वें घर में चले गए। तो भैया विवाह में तो अच्छा खासा विलंब दिखाई दे ही गया कि भी लगन कुंडली में भी दिख गया, और उसकी श्योरिटी हमें नवांश में होती है। हम नवांश देखते क्यों हैं? श्योरिटी होती है हमें नवांश में। अब नवांश कुंडली में देखो तो लगन में एक अशुभ ग्रह बैठा है केतु, तो लगन का मालिक कहाँ गया? 8वें घर में, शुभ संकेत नहीं है। सप्तम भाव में का मालिक कौन है? बुध है, वो यहाँ पर नीच का हो गया। शनि हमने देखा ही 8वें घर में, तो ये वो कॉम्बिनेशंस हैं जो विवाह से संबंधित स्थितियों को कमज़ोर करते जा रहे हैं, डिले करते जा रहे हैं। इनका 39 वर्ष अगर देखा, 98 में जाके विवाह हुआ, जब दशा थी बुध में मंगल, तो बुध की महादशा और मंगल की अंतरदशा ने इनकी शादी कराई। तो आप देखिए कि 39 वर्ष तक जा पहुँचते पहुँचते तो व्यक्ति विवाह की उम्मीद ही छोड़ देता है, वो भी उम्मीद प्रॉब्लम्स हमें इस चार्ट में दिखाई दी विवाह में विलंब के तौर पे। अब एक तीसरी कुंडली देख लेते हैं। यहाँ हमने देखा कि लगन में कौन है? अशुभ ग्रह वक्री शनि, सप्तम भाव में अशुभ ग्रह मंगल है, लेकिन सप्तमेश होके सप्तम में बैठा है, विवाह का सुख देना तो चाहता है। और तीसरा प्लेनेट दूसरा भाव, या आप देखिए यहाँ दूसरे पहले और सातवें दोनों तीनों भावों के अंदर कौन है? अशुभ ग्रह बैठे हैं। तो पूरा नियम लग रहा है यहाँ, तो इनकी जो शादी है वो 32 वर्ष में हुई। अब नवांश कुंडली में देखें कॉम्बिनेशंस क्या कहते हैं। नवांश में हमने देखा कि लगन जो है वो शुक्र का लगन है और लगन का स्वामी शुक्र कहाँ है? 9th हाउस में है, यानी वो विवाह की इच्छा को दर्शाता है। लेकिन लगन के दोनों तरफ अशुभ ग्रह बैठे हैं, सूर्य है और केतु है, इसको क्या कहेंगे हम? पाप कर्तरी योग। तो क्या हुआ? लगन के ऊपर अशुभ प्रभाव हुआ जिसने पाप कर्तरी योग बनाया। दूसरी बात, सप्तम भाव में अगर हम देखें तो नीच का प्लेनेट बैठा हुआ है चंद्रमा, ये भी एक शुभ संकेत नहीं है। लगन के स्वामी, क्योंकि मैंने कहा था महिलाओं की कुंडली में शुक्र के साथ बृहस्पति को भी देखें, अब बृहस्पति ग्रह
लगन कुंडली में क्या है, नीच का है मकर राशि में, तो नवमांश में भी ये ग्रह नीच का हो गया। तो ये वो सारे कॉम्बिनेशंस थे जिन्होंने इनके विवाह को विलंब किया। विवाह तो करा दिया, विवाह कराने वाले प्लेनेट कौन है कि सप्तमे सप्तम में बैठा है, लगन का मालिक नवम भाव में है, मंगल लाभ स्थान में बैठा है, विवाह की इच्छा को प्रबल कर रहा है कि मैं हारूंगा नहीं, मैं तो मेहनत करती रहूंगी, विवाह का सुख लेकर ही रहूंगी। तो ये वो कॉम्बिनेशंस हैं जिनको आप उठा के स्टेप बाय स्टेप लगा सकते हो। मैंने तो आपको तीन कुंडली लगा दी, मेरे पास तो बहुत सारी कुंडली है, लेकिन इन तीन कुंडलियों में मैंने आपको समझाया कि आप विवाह में विलंब के योग कैसे देख सकते हैं। आगे भी ऐसी जानकारी विद एग्जाम्पल मैं आपको देता रहूँगा, क्योंकि नवांश कुंडली की सीरीज़ हमारी चल रही है और काफ़ी लंबी ये सीरीज़ रहेगी। शायद ही कोई टॉपिक इसमें ऐसा होगा जो नवांश से संबंधित छूट जाएगा, इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ, जिससे आपको समय समय पर विशेष और महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। जय श्री राम।